पत्नी का झगड़ा। मैंने कह रहे तो बता दे भैया, उससे तो उससे क्या बतलाया, तो लगता क्या गुल छड़ा उड़ा रहा है साथ में तू है मफलर उफलर पहन के कोट वाइट पहन कैसे बन गया देवानंद बन गया बिल्कुल। तुझे शर्म ना आ रही बिल्कुल, तुझे शर्म ना आ रही बिल्कुल, अकेले में हाथ पकड़ो खड़ा उसका और मैं आ गई तो पीछे को उठ गया बिल्कुल पीछे को। अरे वो मेरी बालक है बालक वो मेरी, उस पर इल्जाम लगा रही तुझे शर्म नहीं लग रही बिल्कुल भी, तेने कैसे हद कर दी, बालक है वो तेरी बालक मेरे सामने बालक बता रही बालक बता रहा तुझे शर्म ना लग रही। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया वो किसके लिए तैयार रह रहा है किसके लिए संघर्ष कर रहा है, मुझे क्या पता वो तेरे लिए रह रही थी, मुझे पता चल गया बिल्कुल पक्का वो तेरे लिए रह रही थी। इस घर में किसके लिए रह रही कौन है उसका कब्जा ऐसा। अरे मनु कह रहे हैं मत इल्जाम लगा बोले इस पे, तू ही मरीज घर में मैं भी जा रहा घर छोड़ कर मैं जा रहा, मैं नहीं रहना चाहता अब बिल्कुल तेरे भाग ले। अब कुछ जवाब ना देना बोलने के लिए अब तो भागेगा, अब क्या जवाब देगा, अब तो भागेगा बिल्कुल। रंगे हाथ पकड़ लेना मैंने, अब हाथ में हाथ पकड़ो खड़ा बताओ शर्म रही है ना उसे शर्म रही ना इसे शर्म रही, तो मैं पकड़ूंगी हाथ में हाथ तेरे जन्म दुखी करते बिल्कुल। अरे मनु कह रही तुझे समझा रही हूँ मेरे पति के सामने अभी मजे नहीं बता रही तुझे मैं उसके सामने ऐसी हमारे रहेगी। अरे दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और फिर दूसरी वीडियो में आएंगे हम। भाग्यवान है रोटी तू ही बना ले, तू क्यों बहू को परेशान करो जा रही, बहू की तबीयत खराब हो रही है। मैंने कह रहा हूँ ज्यादा ड्रामा करेगा तू, तू तो खुद समझदार है। अरे मैंने कह रहा हूँ ज्यादा जवान मत चलिए बता रही हूँ, चुपचाप बैठ रही है बहुत जवान चला रहा था बहुत बक्स ले रहा था बहू का, तुझे और कुछ काम कर रहा ना बिल्कुल। अरे मैं सब वही कह रही थी जब वो विधवा आएगी तो विधवा की तरह रहता है, लाल ब्लाउज पहन के पिनून लगा के और वोट रंग के किसी यारों को दिखा रही वही बता दे रहा समझा रही थी। उन्हें तो बिल्कुल हद कर रखी बिल्कुल ऐसे रह रही बिल्कुल इतनी सज धज के, ऐसे तो हम भी ना रह रहे। अरे माँ जी मैं ऐसे क्या रह रही हूँ माँ जी, तुमने तो मुझे बहुत वो कर रखा माँ जी, मैं बहुत दुखी हूँ बहुत ही परेशान हूँ माँ जी। अरे मैंने कह रही ड्रामा का ड्रामा परेशान ना है तू, मेरा छोरे खाकर तुझे तसल्ली मिल गई अब तक, मुझे तो मेरा छोरे खाकर मेरा मन घर बर्बाद कर कर रख देता बिल्कुल, मेरे घर की नाश करके फेंक दे बिल्कुल। अरे खड़ी क्यों है तू, जाकर चुपचाप होकर चाय बनाना बता रही हूँ पैर की रोटी बनाने को भाषा तो मत बिल्कुल, मैं तेरा भाषा ना सुनती अब ना भागती मुझे बिल्कुल भी। मनुष मैंने कहा सही बिल्कुल, रोटी को कह दूंगी किसी काम को कह दूंगी तो ड्रामा कर देगी बिल्कुल, ड्रामा ड्रामा फैल भर देगी बिल्कुल, ये ना सोचती कि मैं कुछ काम कर लूं। अरे माँ जी तुम क्यों ऐसा कहती हो, मैंने जान के थोड़ी बहुत जो मेरा नसीब में होगा वैसे तो होगा माँ जी, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ माँ जी, तुम तो अपनी अपनी कहती रहती हो माँ जी। अरे मैंने कह रही फालतू बात मत सुना, मैं फालतू बिल्कुल भी मैं सुनना नहीं चाहती तेरी फालतू बातें बता रही हूँ। अरे घर से बाहर पैर रख मत कर बता रही, घर में रहकर अंदर अंदर तू बहुत छत उत्ता जा रहा है, छत उत्ता कौन से यारों को देखने जा रहा है तू है, तेरा काम क्या छत पे जाना है बता दे, घर में रहकर घर में बिता रही तो अभी ज्यादा दिन हुआ ना छोड़े को मैं एक महीना ना हुआ तुमने बिल्कुल घर से पैर बाहर रख लेगी ठंडो बन गई बिल्कुल ठंडो, देख इस काम को कह दूंगी तेरा जीवन दुखी कर कर दे बिल्कुल, मैंने कहां से आई थी मनुष्य घड़ी। अरे दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सास बहू पति पत्नी की कॉमेडी लड़ाई की। अरे हमारी समझ में तो नून आ रही कि तू सारा दिन मुंह फुलाओ क्यों बैठी रहेगी बिल्कुल है, हंस खुस के क्यों न रहती, मैंने कह रही हूँ तुम मेरा मुंह फिरना तो देख जाएगा, अभी तक एक कप चाय ना बने सवेरे से, अब टाइम देख लो कितना हो गया, मुंह फूलने तो बड़ी जल्दी कह रहा है, मुंह ना फुलाऊंगी तो और क्या करूंगी, इतनी देर से कह रही हूँ अंदर ही बड़ी रहे पता ना क्या करेगी बाहर को निकलती ना। अरे मनु कह रहा हूँ चाय तो तू भी बना सकती है ना, कुछ कर थोड़ी रही तू, मनु कह रहे तू चुप बैठा रहे बिल्कुल फालतू बोल रहे मत बिल्कुल भी, मैं तुझसे पूछ रही की मैं बना लूं चाय वो क्या करेगी उसका क्या हम अचार बांध देंगे। अरे शीतल अरे क्या कर रहे बाहर को निकली ना तू, अंदर बड़ी रहेगी पता ना क्या करती रहे अंदर सारा दिन अंदर ही बड़ी रहेगी बिल्कुल, बाहर को निकल कर देख लेंगे नहीं बस हम तो दिमाग मारो जा रहे हैं आवाज लगाते रहेंगे हम तो पागल वाल करो। हाँ माँ जी क्या कह रही हो माँ जी बताओ। हो ये तो किसको दिखागी होट रचा रखे तेने है, किसको दिखागी तू लाल ब्लाउज पहन के होट रचा के, मैंने कह रही हूँ विधवा है तू विधवा, अब विधवा की जून में रहकर बता रही हूँ ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ना, लाल ब्लाउज पहन के पिनून लगा के साइंस रूम में लगा के अब आई है बाहर को, अब किसको दिखा रही कौन से यारों को दिखा रही तू है, तू तो विधवा है विधवा की तरह रहकर देख रहे
फिल्म जगह में है ऐसा कह रहा है कि इसका पीछा पड़ रहा है, पीछा ना पड़ने तो क्या करूंगी मैं इसका। मैं कह रही हूँ कौन सा खसमा को दिखाने जा रही तू, कौन सा यारों को दिखा रही है विधवा तो अब पिनोल लगा कैसे हो रहे लाल ब्लाउज पहन के, विधवा है विधवा की तरह रहकर बता रही हूँ। मैंने कह रही तुझे भी कह रही हूँ तू मुझे तो कहता रह रहा है ना, मुझे मत देख इसे, देख इसे की तरफ को देख ले तू कैसा खड़ी हो, देख ले तू इसे। अरे मैंने देख लिया भाई देख लिया, देख तो रहा हूँ। मैंने कह रहा हूँ जोन सा भाषण तू इसे दे रही है, अगर मैं तुझे देर लगू तो तुझे कैसा लगेगा ये बता दे। अपने आप को न देख रही काली साड़ी पहनना बैठी हो रचाओ बैठी, अपने आप को तो देख ले तू। अरे नाच गए अरे उत्ते तेरे नाम की लगा रही लाल लिपस्टिक भी और तेरे नाम की काली साड़ी पहननी, अगर तू मर गया ना मैं ना लगा लेगी उस दिन से। अरे मैं कह रही हूँ ये किसके नाम की लगाओ बैठी विधवा है, ये तो विधवा है। अरे दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और फिर दूसरी वीडियो मिले जब तक हमें सपोर्ट करते रहिए।